जरूरत नहीं है। अपने आप को प्रभु के हाथों में हम सौंपेंगे। सब्बत का दिन आराम के लिए नहीं बनाया, सब्बत का दिन आनंद मनाने के लिए बनाया गया, प्रभु के साथ संगति करने के लिए बनाया। सब्बत के दिन श्राप हट गया, पवित्र दिन हो गया। हालेलुया, आज परमेश्वर आपको और मुझको बुला रहा है। आज एक आत्मिक चंगाई आपको चाहिए। जितनों ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को सच्चा परमेश्वर के रूप में ग्रहण नहीं किया, आज मौका फिर से आ रहा है। याद रखना, तुम्हारे सारे पाप और अधर्म प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर सकता है, और सिर्फ वही कर सकता है। बचपन से लेकर आज तक कितने अनगिनत पाप तुमने किए होंगे, कोई गिनती नहीं है। और जीवन में इतने सारे पाप के बाद तुम परेशान हो, और परेशानी फिर भी हम ईश्वर को कोसते हैं। अरे गलती मेरा, पाप मेरी, परेशानी पाप से जो आई वो भी मेरी, मगर कोसते हम ईश्वर को। आज कोसना बंद करो, अपनी गलती को मान लो, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने का एक नई फैसला प्रभु के सामने लो। और मैं कहता हूं, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन जो है, क्रोधित मन जो है, उसे प्रभु अपनी असीम शांति से भर देगा। तुम्हारे घर के झगड़ाओं में परमेश्वर तुम्हें असीम शांतियों से भर देगा। तुम्हारे बिजनेस की परेशानियों में परमेश्वर तुम्हें असीम शांति से भर देगा। ऐसी खुशी, ऐसी शांति कि भले भाई कुछ हो या ना हो, मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा तृप्त हूं। यीशु मेरे साथ है, उसका प्रेम मेरे साथ है, उसकी आनंद मेरे साथ है, वो मेरा ईश्वर है। अब सब कुछ मैं उसके हाथ में सौंपता हूं, मेरा भला मेरा बुरा सब उसके हाथ में है। जो कुछ वो करेगा अच्छा ही करेगा। अपने आप को प्रभु के हाथों में हम सौंपें। आत्मिक चंगाई चाहिए प्रभु, हमें आत्मिक चंगाई चाहिए। बोलिए प्रभु मुझे आत्मिक चंगाई चाहिए। हाँ, मुझे आत्मिक, आत्मा में करप्ट हो गए हैं, आत्मा मेरा खराब हो गया है, मुझे आत्मिक चंगाई चाहिए प्रभु। शारीरिक चंगाइयों से बड़ी है आत्मिक चंगाई, हरेक शारीरिक चंगाइयों से बड़ी है आत्मिक चंगाई, क्योंकि आत्मिक चंगाई परमानेंट है। आज आत्मिक चंगाई आपको चाहिए, आज यीशु आपको चाहिए। आज उसे पुकारो और उसे महसूस करो। मैं प्रार्थना करता हूं इस भवन के अंदर में प्रभु यीशु मसीह को हर एक व्यक्ति महसूस करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं इस भवन के अंदर में हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को महसूस करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की वो असीम प्रेम और शांति को हर एक व्यक्ति महसूस करने पाए। सच्चे हृदय से उसे पुकारो और उसे महसूस कर लो। हालेलुया, सच्चे हृदय से उसे पुकारो और उसे महसूस कर लो। यीशु के नाम
हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, फिर गीत होगा, समाप्ति में जा रहे हैं। मगर यदि आपको यहां बैठे आराधना करने का मन नहीं कर रहा, कुछ खाली लग रहा, तो ऐसे ही जाने मत दीजिए, ऐसे ही जाने मत दीजिए। ये आत्मिक युद्ध है, याद रखिएगा, आत्मिक युद्ध है। क्या आप युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं? यदि आपकी आत्मा कमजोर महसूस होती है, कमजोर आत्मा में कमजोर लग रहा है, तो आज कहिए, प्रभु मैं लड़ूंगा, मैं वापस आत्मा में सामर्थ पाकर जाऊंगा, वापस आत्मा में ताकत को प्राप्त करके जाऊंगा। इसलिए कैसे पाएंगे, हम कैसे पाएंगे? स्तुति और आराधना करके। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। हालेलुया, वो आत्मा आत्मा और सच्चाई में, इसलिए आत्मा से कनेक्ट होना होगा। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, है ना, कोई चुपचाप नहीं बैठना, कोई सुस्त मत बैठना, कोई आत्मा में ठंडा मत होना, सभी को स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना, कहना प्रभु तू धन्य है, प्रभु तू अच्छा है, उसकी स्तुति और महिमा करना। हालेलुया तुम कहना, परमेश्वर की आराधना तुम करना। हालेलुया, देखना पवित्र आत्मा नहीं बल के साथ आज तुझे भेजेगा, नए बल के साथ आज तुझे भेजेगा, नई ताकत के साथ तुम जाओगे, जैसे तुम आए थे वैसे नहीं, एक नई ताकत को लेकर जाओगे, यीशु मसीह के नाम से। ऐसा इस भवन के अंदर आज की शाम होने दे। तेरे नाम जीवा, परमेश्वर तेरे दास और दासियों के लिए, हम प्रार्थना करते तेरे बच्चों के लिए। प्रभु जब ये प्रार्थना कर रहे हैं, इनके होठों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, इनके जीवन में पवित्र आत्मा की अभिषेक उजागर आने पाए, हे खुदावंत यीशु मसीह, यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, तू इन पर दया कर, करुणा कर, और एक अद्भुत काम आज इस भवन के अंदर होने पाए। ओ आत्मा में नई ताकत को प्राप्त करने के लिए तू इन्हें
में एक नई शक्ति, आत्मा में नया बल, पवित्र आत्मा की एक नई शक्ति आज हरे बहनों को महसूस होने दे खुदा, हरे भाइयों को महसूस होने दे, पवित्र आत्मा की एक नई सामर्थ हरे भाइयों को बहनों को महसूस होने दे खुदा वाला।